नमस्कार, मैं रमेश चंद्र, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। मैं आज मौजूद हूँ संत कबीर नगर जनपद के पौली विकास खंड के बड़ारी ग्राम सभा में। मैं दिखाना चाहूँगा, कमेंट से थोड़ा दिखाएंगे, ये नेनुआ जिसको कहते हैं कि भोजपुरी भाषा में घेवड़ा भी कहते हैं, इसकी फसल लगाई गई है। और आज जानने की कोशिश करूँगा कि इसकी फसल की प्रारंभिक तैयारी क्या होती है और क्या क्या इसमें एहतियात बरते जाते हैं, क्या क्या इसमें सरकारी मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं किसान से जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मौजूद है किसान, मैं इनका नाम जानने की कोशिश करता हूँ। आपका फॉर्म जल्दी से स्वागत है। संत कबीर नगर। अच्छा, अभी जो फसल आपने दिखाई, बताइए, नेनुआ की फसल है। नेनुआ क्या है कि क्लाउज कंपनी का नेनुआ लगाया हुआ है, ये दो महीना हो गया इसको बोए हुए। नहीं, मतलब क्लाउज कंपनी, ये क्या क्लाउज कंपनी क्या होती है? क्लाउज कंपनी मतलब उसका मतलब वैरायटी होती है उसकी नेनुआ की, उसी का हम लोग लाते हैं, जिसको मतलब जो कंपनी जिसको अच्छा लगेगा साइज में, थोड़ा देखने में बाजार में सुटेबल हो बिकले में। सफेद क्वालिटी का ये नेनुआ है। अच्छा, सफेद क्वालिटी होता है। हाँ, किस किस क्वालिटी के नेनुआ होते हैं? जैसे एक काला होता है, एक सफेद होता है, हरा धर के। तो जैसे इस मार्केट में हम लोगों के जो संत कबीर नगर जिले में चलता है, सफेद वाला चलता है और उस पार हरा और काला होकर रहता उसका चलता है। अच्छा, जैसे नेनुआ की फसल बैठाते हैं, प्रारंभिक तैयारी क्या करते हैं? जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी मतलब खेत की नमी बना करके, उसके बाद में बीज भोकर भिगा कर, उसके बाद में इसको 24 घंटा या दो कम से कम भेते हैं। तो भिगाने के 24 घंटे के बाद, तो उसके बाद छान कर, उसके बाद सीधे बुआई नाली में कर देते हैं, नाली से खाद। अच्छा, अभी आपने कहा कि जमीन की तैयारी, जमीन भिगो करके। हाँ, तो कैसे सिंचाई करके? सिंचाई करके नमी बनाया जाता है, उसके बाद गुड़ाई करके, तब जब माटी भरभरा हो जाती है तो उसके बाद उसी में बोया जाता है। इसके बीज कहाँ से लाते हैं इसका? अब दुकानें से लाते हैं हम लोग, हाइब्रिड कंपनी क्लाउज हो या बिनार हो। तो मतलब हाइब्रिड से बीज लाते हैं, जिसमें क्लाउड कंपनी का बीज सूटेबल होता है, जिसकी पैदावार अच्छी होती है। इसको पैदावार इसी का अच्छा मिलता है हम लोगों के। धनिया है, बिनार है, ये है, मतलब क्लाउड। अच्छा, फसल बीज लाते हैं, बीज की नर्सरी तैयार करते हैं? नहीं, नर्सरी तैयार जमा कर बीज के छोटा सा अंकुरित करके, उसके बाद सीधे बुआई कर दिया। घर पर ही अंकुरित करते हैं? हाँ। और सीधे बुआई कर देते हैं? हाँ। तो इस बुआई कैसे करते हैं, क्यारी करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, नाली विधि से करते हैं, जरा नाली विधि में करते हैं। नाली बना करके? हाँ, उसी नाली में बोते हैं, उसके बाद में मट्टी करके छोड़ दिया जाता है। दूरी कितनी रखते हैं? जैसे मतलब एक बीच से बीच की दूरी 1 फुट है, और लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 फुट रखा जाता है। लाइन की दूरी 8 फुट 10 फुट, पौध से पौध लाइन जोड़ रखता है। तो कितने दिन बाद ये जैसे माने बुआई कर देते हैं? 70 दिन में फल देता है। 65 ये अंकुरित कितने हो जाता है कि सिंचाई पहले कितनी कब करनी पड़ती? पहले सिंचाई कब करनी पड़ती है? जैसे जब जमने के बाद जब सब 20-25 दिन का हो जाएगा, तभी तो अंकुर, जब पौधा 4-4 अंगूर का हो जाएगा तभी सिंचाई किया जाता है, उसके पहले नहीं। जब 4 अंगूर पौधा हो जाता है उसकी सिंचाई करते हैं? हाँ, तब सिंचाई होती है। सिंचाई करने बाद दवाई खाद दवा डाला जाता है? कौन सी खाद डालते हैं? गोबर की सड़ी खाद रहेगी, उसके बाद डाई रहेगी, पोटाश यूरिया डाला जाता है, उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव होता है। उसके बाद मान लीजिए आपका हो गया, तो कितने दिन बाद ये सब होता है, हो जाता है, कितने दिनों में? 60 से 70 दिन में फल आ जाता है। 60 से 70 दिनों में फल आना शुरू हो जाता है। तो अगर माना जाए तो एक क्यारी जो बता रहे हैं कि नाली बेच से बुआई करते हैं, कैसे फल उसको निकलता है? मतलब इसमें अभी निराई गुड़ाई करके, उसके बाद पाट करके पानी चलाया जाएगा, तभी तो फल देगा। हर हफ्ते जैसा पानी की आवश्यकता है, जब पौधे की पड़ेगी तभी तो पानी चलाया जाएगा। कितने दिन इसकी फसल रहती है? 3 महीने से 4 महीने तक रहती है। तो ये फसल की तुड़ाई लेके मार्केट में जाते हैं कैसे? मतलब तुड़ाई के कैरेट में रखा जाता है, या तो खचोली में रखा जाता है, लेके मार्केट में जाया जाएगा। अच्छा, मार्केट जाके उसको बेच देते हैं। तो प्रॉफिट लॉस की क्या देखा जाए मौसम के साथ? अभी इस समय कोई उसका ठिकाना नहीं है क्या। तो अभी आप देख रहे थे, किसान बता रहे थे कि ये नेनुआ और जिसको भोजपुरी में घेवड़ा कहते हैं, उसकी फसल तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या उनके पास परेशानियाँ होती हैं, क्या समस्या होती हैं, लगातार ऐसे आप देखते रहिए। फार्मर जर्नलिस्ट लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी खबर लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।